विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर झाकीर हुसैन यांनी लिहिलेला हा पाठ अबू खाची बकरी, ते आज आपण त्याचे आपण आज वाचन करणार आहोत. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव होते. त्या ठिकाणी अबू खा नावाचा एक ग्रस्त राहत होता. तो एकटाच राहत असल्यामुळे तो नेहमी एक दोन बकऱ्या पाळायचा. त्यांना जीवापलीकडे तो प्रेम करायचा. बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण, बकऱ्या जणू त्याची अपत्य, तो त्यांचा पिता. हिमालय पहाड के पास में उसके कदमों के पास एक छोटा सा गांव था. उस गांव का नाम था अल्मोरा. वहां पर अबू खा नाम का एक ज़हीब शख्स रहा करता था. वो अकेला रहने की वजह से वो हमेशा दो तीन बकरियां पाला करता था और उन बकरियों से बेजा मोहब्बत करता था. बकरियां उसकी जान, ऐसा लगता था कि बकरियां उसकी औलाद है और वो उनका वालिद. अबू खा ने अपने बकरियांना कुल्लू, मंगलिया, गोनारी, हुकुमा अशी गमतीचे नावे दिली होती. त्यांच्यात अबू खाचा सारा दिवस जाई. अबू खाने क्या किया था, उन बकरियों के अलग अलग नाम रखा था उसने. किसी का कल्लू रख दिया, किसी का मंगलिया रख दिया, तो किसी को गोनारी, किसी को हुकुमा, इस तरह से अलग अलग नाम दिया. और पूरा पूरा दिन उन बकरियों में उसका जाता था. और तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्टी सांगेल, याने वो उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हें कहानियां सुनाता था. त्यांच्या सोबत दऱ्या खोऱ्यातून जाई और उन्हीं के साथ में वो पहाड़ों में, खाइयों में और जंगलात में ही जाया करता था. संध्या कळू लागली की तो सर्व बकऱ्यांना घरी आणी आणि कुंटीला एक बांधून ठेवू. शाम के वक्त वो घर पर आता था उन बकरियों को सबको लेकर और एक मकाम के ऊपर उन्हें बांध दिया करता था. आणि रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नये म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्याचा जपत असे. और रात के वक्त बकरिया उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए इसलिए अपनी आंखों में तेल डालकर वहां पर सोया करता था. त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता. बकरी दिसली रे दिसली की तो झडप घाली, मारून टाकी, वो खाऊन फस्त करी. म्हणून अबू का आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूप जपायचा. वहां पर वो जंगलात के अंदर उन्होंने सुना था कि एक जबरदस्त वहां पर खतरनाक भेड़िया रहता है, खूंखार. वो जालिम भेड़िया उसे बकरी दिखाई दी तो उन बकरियों पर वो टूट पड़ता था, उनको खत्म कर देता था और उन्हें खा जाता था. ऐसा उन लड़कियों, वो जो लड़की बकरी थी उनकी, उन बकरियों के साथ वो इसलिए बेजा मोहब्बत करता था अबू का. अबू खा ने किती चांगले खाओ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकरिया मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात. अबू खाची उत्तम बर्दाश्त किंवा लांडग्याचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधी प्रवृत्त करू शकले नाही. याने जो अबू खा था वो उन बकरियों को अच्छी से अच्छी गिजा देता था, उन्हें जान लगाता था, उनकी फिक्र करता था, लेकिन फिर भी बकरियां जो है वो कितने भी अच्छा खिलाने के बावजूद भी उन्हें, उसने भेड़ियों का डर भी बताया, लेकिन बकरियां वहां पर जाने के लिए बेजा कोशिश करते थे और चली जाते थे. दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत. और एक मर्तबा जैसी वो खाई में चले गए तो फिर से दोबारा घर पर आने के लिए नहीं आते थे. वो मन मुराद चरायचे, मोकळेपणाने हुंडायचे, खेळायचे, बागडायचे. हे स्वतंत्र आणि मोकळेपणा जन्मदात असलेली साहसी वृत्ती, यामुळे त्यांना अबू खा बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातून धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे. उन बकरियों को जो है ऐसा खुला खुला माहौल चाहिए था उनको. अबू खा उनको अपने घर में
नाके रखता था, अच्छी से अच्छी गिसा खिलाता था, लेकिन फिर भी उन्हें उन बकरियों को आजादी चाहिए थी और आजादी की वजह से ही वो उनसे बाहर निकल जाया करते थे। याद नवल गाय वो हैरत करता था कि मैं इन बकरियों का इतना ख्याल रखता फिर भी मेरे पास बकरियां क्यों नहीं रुक रही है। अब उकाला मात्र याचे नवल वाटायचे दुख सलायचे त्याला बकऱ्यांच्या वाघ्याचे कोडे उलगाळायचे नाही। मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो, शेतातले धान्य देतो, घरी दाना पाणी करतो, एवढे करूनही माझ्या जवळ त्या राहत नाहीत, डोंगरात जातात आणि लांडग्याची शिकार होतात, जीव गमावून बसतात। अबुका मनातल्या मनात ठरायचा त्याचे तुकडे ओले चिंबवायचे। यहाँ पर अबुखा उसे हैरत होती थी कि मैं इन बकरियों को इतनी जान लगाता, दुख होता था उसको कि भाई मैंने उन्हें इतनी अच्छी परवरिश की, उनको अपने साथ में रखा, उनको खिलाया, उन्हें हरा चारा खिलाया मैंने, उनको नरम नरम मुलायम मुलायम घास खिलाई मैंने, उन्हें उन्हें खेत में का अनाज दिया, उनको अलग अलग चीजें खिलाया, लेकिन फिर भी वो मेरे पास में नहीं रहते थे और पहाड़ों के ऊपर जाना पसंद करते थे और पहाड़ों पर गए कि वहां पर भेड़िए का शिकार होते थे, शिकार होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते थे वो। अबुखा अपने वहां पर वो दुख होता था उसको और उसकी आंखों में आंसू आ गए।